दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे इंडिया की मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि सिर्फ अपनी गाड़ी की वजह से पूरी दुनिया भर में जानी जाती है। वो नाम है महिंद्रा मोटर, जो कि आपको बताने की ज़रूरत है कि महिंद्रा की स्कॉर्पियो जाइलो एक्सयूवी जैसी कार दुनिया भर में कितनी फेमस है। लेकिन कुछ लोगों को ये नहीं मालूम है कि महिंद्रा सिर्फ गाड़ी मोटर ही नहीं बल्कि एरोस्पेस, कंस्ट्रक्शन, फाइनेंस, इंश्योरेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और भी बाकी चीज़ों में अपने बिजनेस को करती है। इसीलिए महिंद्रा महिंद्रा ग्रुप के नाम से जानी जाती है, जो कि महिंद्रा मोटर महिंद्रा ग्रुप की एक हिस्सा है। और अगर बात की जाए इंडिया में सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कौन सी है, तो इस लिस्ट में महिंद्रा का ही नाम सबसे पहले आता है, जो कि महिंद्रा ही इंडिया की सबसे ज़्यादा गाड़ी को मैन्युफैक्चर करने वाली कार कंपनी है। और महिंद्रा ही दुनिया की सबसे बड़ी एक ऐसी कंपनी है जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर को मैन्युफैक्चर करके सप्लाई करती है। तो इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि इतने बड़े इंडिया की मल्टीनेशनल महिंद्रा कंपनी की शुरुआत कैसे हुई थी। तो दोस्तों इस कंपनी की कहानी कुछ इस तरीके से होती है। जब 1892 में पंजाब के लुधियाना नाम के शहर में जगदीश चंद्र महिंद्रा नाम के एक साधारण इंसान का जन्म हुआ था और उनके कुल मिला के 9 भाई बहन थे और वो अपने 9 भाई बहन में सबसे बड़े थे। और उनकी किस्मत इतनी बुरी थी कि जब वो छोटे ही थे तभी उनके पिता की मौत हो गई थी और इसलिए बचपन से ही उनके परिवार की सारी जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर आ गई थी, जो कि ये उनके लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। और इसलिए वो दुख तकलीफ को देखते हुए एजुकेशन में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे, क्योंकि उस टाइम पे एजुकेशन ही एकमात्र ऐसी साधन थी जो कि लोगों के तमाम परेशानियों को दूर कर सकती थी। और इसलिए जगदीश चंद्र जी अपने भाई बहन को बचपन से ही पढ़ाई में खूब ध्यान लगवाया करते थे। और उन्होंने अपने छोटे भाई जिनका नाम कैलाश चंद्र महिंद्रा है उनको इंडिया से बाहर कैम्ब्रिज कॉलेज में भेज दिया ताकि वो वहाँ पे अच्छे से पढ़ लिख के सफल हो जाए। और उन्होंने अपनी खुद की डिग्री मुंबई की वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट से लिया, जो कि ये इंस्टीट्यूट एशिया के सबसे पुराने इंस्टीट्यूट है। और जब उन्होंने अपनी सब पढ़ाई को कम्प्लीट कर लिया फिर उसके बाद वो अपनी लाइफ की करियर स्टील कंपनी से शुरू किए, जो कि वो स्टील कंपनी में पूरे 11 साल तक एज ए सीनियर सेल्स मैनेजर के तौर पर काम करते रहे। फिर उसके बाद जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था और जब भारत पाकिस्तान से भी डिवाइड नहीं हुआ था, तब जगदीश चंद्र अपने दो भाइयों के साथ मिलकर पंजाब के लुधियाना नाम के शहर में अपनी खुद की एक स्टील ट्रेडिंग कंपनी को एस्टेब्लिश किए, जो कि उन दोनों भाइयों में से एक का नाम कैलाश चंद्र महिंद्रा और दूसरे का नाम मलिक गुलाम मोहम्मद था। और जब 1947 में इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तभी इन्हीं तीनों भाइयों में से मलिक गुलाम मोहम्मद अपने कंपनी और इंडिया दोनों को छोड़ के पाकिस्तान चले गए कि अब से वो पाकिस्तान के निवासी है। और यही मलिक गुलाम मोहम्मद पाकिस्तान के पहले फाइनेंस मिनिस्टर बने थे। और जब मलिक गुलाम मोहम्मद का इंडिया और उनके कंपनी से कोई लेना देना नहीं था तो इसलिए जगदीश चंद्र ने सन 1948 में अपने कंपनी का नाम महिंद्रा एंड महिंद्रा रख दिया। और उसी समय वर्ल्ड वॉर भी खत्म हो चुकी थी और रिसेंट टाइम में इंडिया और पाकिस्तान का भी पार्टीशन हो गया था और इसलिए इंडिया में उद्योगपति का बहुत ज़्यादा जरूरत था। और इंडियन गवर्नमेंट भी उस टाइम उद्योगपति को काफ़ी सपोर्ट कर रही थी और इसी कारण उनकी कंपनी काफ़ी अच्छी ग्रो करती जा रही थी। और उनकी कंपनी अच्छी चलने के कारण वो चाहते थे कि कंपनी को और भी बाकी बिजनेस में एक्सपेंड किया जाए और इसीलिए उनकी कंपनी अमेरिका की जीप कंपनी से जीप को असेंबल करके इंडिया में बेच देती थी और उनकी ये भी बिजनेस काफ़ी अच्छी चल रही थी। और इसी चीज़ को देखते हुए बाद में वो लोग खुद की गाड़ी मोटर को इंडिया में मैन्युफैक्चर करने लगे, जिसमें कि उनकी कंपनी MUV और LCV व्हीकल को मैन्युफैक्चर किया करती थी। या तो और अच्छे से समझने के लिए समझिए कि MUV का फुल फॉर्म मल्टी यूटिलिटी व्हीकल होता है, जो कि ये वो गाड़ी होती है जो अपने लो स्टेबिलिटी और डिफरेंट पर्पस के लिए जानी जाती है, जैसे कि एग्जांपल के लिए स्कॉर्पियो, इनोवा, XUV और भी कारें। और LCV का फुल फॉर्म होता है लाइट कॉमर्शियल वैन, जो कि नाम से ही पता लग रहा है कि लाइट मतलब हल्के सामान को कॉमर्शियल काम के लिए गाड़ी को यूज़ करना, जैसे कि टाटा मैजिक वैन और भी कॉमर्शियल वैन। और महिंद्रा भी इन्हीं जैसी गाड़ी को मैन्युफैक्चर किया करती थी और महिंद्रा कंपनी की ये सफर कुछ ऐसी चलती गई। और आज यही महिंद्रा कंपनी पूरे दुनिया भर में अपने प्रोडक्ट और अपने सर्विस के लिए जानी जाती है, जो कि आज महिंद्रा एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत तेजी से काम कर रही है। तो दोस्तों यही है महिंद्रा की बेसिक कहानी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए आपकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।